नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूं दरभंगा की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइन, पिकअप वैन लूट मामले में गिरफ्तारी, पांचों को भेजा गया जेल। आभूषण शोरूम मालिक का अपहरण, इलाके में सनसनी। कल पूरा भारत बंद रहेगा, सीपीआई। आरसीपी सिंह ने कहा, तीन देशों के प्रताड़ित 6 समुदाय को नागरिकता देगी सीएए। आगामी 15 जनवरी को सीएए और एनआरसी को लेकर के विशाल जनसभा। व्यावसायिक संगठनों से सहयोग की अपील। डीएम ने कहा, मानव श्रृंखला के माध्यम से हरियाली योजना को सफल बनावे। 15 तक लिया जाएगा आयुर्वेद का परीक्षा आवेदन। एनएसयूआई के द्वारा प्रधानमंत्री वे दिल्ली पुलिस का पुतला दहन। भारत बंद को जाप का समर्थन। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर फोर लेन पर 27 दिसंबर की रात शोभन चौक के निकट जनेर के बीच लदी पिकअप वैन लूट मामले के पर्दाफाश के बाद गिरफ्तार अपराधियों को सिमरी थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 5 अंतर जिला गिरोह के गिरफ्तार अपराधी में समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना निवासी राजेंद्र महतो के पुत्र रत्नेश कुमार महतो का आपराधिक इतिहास रहा है। वही हत्या व शराब लूट के कारोबार मामले में जेल जा चुका है, जिसके विरुद्ध कल्याणपुर थाना में कांड संख्या 135/19 अंकित है। गिरफ्तार कुशेश्वर स्थान के रामपुर रौता निवासी कपिल पासवान के पुत्र आशुतोष कुमार उर्फ गुलेटी, वारिसनगर थाना के चंदौली निवासी दिनेश राय के पुत्र नंदन कुमार राय, कुशेश्वर स्थान के रामपुर रौता निवासी मनोज पासवान के पुत्र अनुपम पासवान, रसरा थाना के बाधोपुर निवासी हरे कृष्ण महतो के पुत्र बाबू राम महतो शामिल है। पिकअप लूट कांड गिरोह के मुख्य सरगना दिलीप राय एवं विकास की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत निवासी डॉक्टर विष्णुदेव भारती के पुत्र वे आभूषण शोरूम मालिक रमन ठाकुर उर्फ चुन्ना उम्र 38 साल की सोमवार की शाम कैदराबाद स्थित आवास पर लौटने के क्रम में अगवा कर लिए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पर एकजुट हो गए। उधर शोरूम के मालिक रमन उर्फ चुन्ना के पिता वे इलाके के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विष्णुदेव भारती ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार रमन ठाकुर उर्फ चुन्ना सोमवार की शाम 5 बजे अपने आभूषण शोरूम से बजाज प्लैटिना बाइक BR07S987 से दरभंगा आवास के लिए निकला। काफी देर बाद भी आवास पर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, परंतु उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद परिजन उसके अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी। वही अपहरण की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी बाबूराम, सदर एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर बसंत कुमार झा ने शोरूम वे जय गुरुदेव लाइन होटल में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। घटना के बाद से स्थानीय लोगों वे व्यवसायियों में भय का माहौल है। लहरियासराय स्वर्णकार संघ अध्यक्ष राम बाबू शाह, सुंदरपुर अध्यक्ष ध्रुव नारायण ठाकुर आदि ने जल्द से जल्द पुलिस से मामले की उद्भेदन करने की मांग की है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दरभंगा जिला कार्यालय से एमआरएम कॉलेज, कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक होते हुए टावर चौक पर महात्मा गांधी के स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस कल के भारत बंद के समर्थन में वे भारत बंद को सफल बनाने के लिए निकाला गया। मशाल जुलूस दौरान लोगों से कल के भारत बंद में समर्थन की अपील की गई। मशाल जुलूस का नेतृत्व सीपीआई के जिला मंत्री कम्युनिस्ट नारायण जी झा ने किया। वही मशाल जुलूस में
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड राम कुमार झा, सीपीआई के कार्यालय सचिव विश्वनाथ मिश्र, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी, एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष शशि रंजन, जिला सचिव शरद कुमार सिंह, अविनाश कुमार, अमित कुमार सिंह, प्रशांत कुमार ठाकुर, निशांत कुमार ठाकुर, रंजन कुमार यादव, अमन कुमार, प्रसन्नजीत भास्कर, बिट्टू कुमार, चाणक्य यादव, सद्दाम तमन्ने, आमिर आदि मौजूद थे। ज्ञात हो कि कल की देश के सभी ट्रेड यूनियनों एवं भारतीय फेडरेशन एवं किसान संगठनों के आह्वान पर पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। विधानसभा स्तरीय बूथ एवं सचिव संगठित सम्मेलन मंगलवार को आज बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के सिनवाड़ा उच्च विद्यालय स्थित जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विनय चौधरी उर्फ अजय के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला तमाम प्रखंड अध्यक्ष एवं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बिहार के तमाम बूथों पर अध्यक्ष एवं सचिव को जोड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव इसका परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों को निशाना साधते हुए कहा कि जब से एनडीए सरकार बनी है बिहार हर क्षेत्र में विकास हुआ है, जबकि उनकी सरकार में बिहार दर दर बना हुआ था। सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ देशव्यापी विरोध जहां दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दरभंगा के लोग भी इस मुद्दे पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। यहां की आम आवाम ने इस मुद्दे पर मशाल जुलूस, विशाल पैदल मार्च वे सभा, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च आदि करके अपना विरोध जताते हुए कानून को रद्द करने की लगातार मांग की है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले यहां की शांति प्रिय जनता ने विभिन्न प्रकार से अपना विरोध जताकर शांति और भाईचारा का भी संदेश देने का काम किया है। अभियान के सभी जिम्मेदारों की एक विशेष बैठक आज मंगलवार को रहमखा मोहल्ला स्थित प्रिंस प्लाज़ा में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 जनवरी बुधवार को एक विशाल जनसभा करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यात प्राप्त कर चुके शायर इमरान प्रताप गढ़ी और छात्र नेत्री कविता कृष्णन के उपस्थिति होने की संभावना है। जल्द ही स्थान का चयन और घोषित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा ने बताया कि जिला के स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में वंडर ऐप के लॉन्च किए जाने के बाद से चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मी के नेग्लिजेंसी को ट्रैक करना आसान हो गया है। अब जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है वह ऐप के माध्यम से डिटेक्ट हो जा रहा है और दोषी चिकित्सकों पारामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के गर्भधारण से लेकर के प्रसव तक नियमित देखभाल करने में वंडर ऐप से सहूलियत हो रही है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को किसी भी तरह की जटिलता उत्पन्न होने पर उक्त महिला को तुरंत समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। यह सब वंडर ऐप से संभव हो रहा है। इससे व्यक्तित्व तौर पर मरीज की देखभाल हो रही है। किसी भी मरीज के गंभीर स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त मरीज को डीएमसीएच रेफर किया जाता है। मरीज को रेफर करने में ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पालन किया जाना जरूरी है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिला में 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का सफलतापूर्वक निर्माण के लिए हर वर्ग के लोगों, चिकित्सकों, जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों आदि से सहयोग प्रदान करने हेतु अपील किया जा रहा है। उनके साथ बराबर बैठकें करके उन्हें दिनांक 19 जनवरी 2020 को आयोजित की जाने वाली मानव श्रृंखला के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जा रही है और उनसे इन श्रृंखला को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु कहा जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आज समरणालय सभा कक्ष में विभिन्न शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संगठनों के पद धारकों के साथ बैठक की गई और उन्हें मानव श्रृंखला निर्माण के औचित्य की जानकारी दी गई।
जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के चलते मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अभी अगर एहतियात नहीं बरती गई तो हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। शहर से लेकर के गांव में भूगर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, इसके कारण गंभीर जल संकट की स्थिति लोगों को झेलनी पड़ रही है। डीएम त्यागराजन एसएम ने आज मंगलवार को प्रखंड कार्यालय परिसर पर 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला के तैयारी की समीक्षा की। बाल विवाह, दहेज उन्मूलन एवं नशा मुक्त के खिलाफ प्रस्तावित कार्यक्रम मानव श्रृंखला को लेकर के सिंहवाड़ा वे हनुमान नगर प्रखंड के कर्मचारी वे जन प्रतिनिधियों के तैयारी का जायजा लिया। डीएम ने मानव श्रृंखला के उद्देश्य पर चर्चा कर कहा कि जल जीवन हरियाली को लेकर के पौधारोपण को बढ़ावा दे, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रह सके। अभी से हम लोगों के लिए उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संकट से बचाव के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ गया है, जिसके कारण कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बरसात के अनुपात से कमी होने पर हम लोग जल संकट से तरस रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना को सफल बनाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। संस्कृत विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद की परीक्षाओं के लिए आवेदन एवं पंजीयन कराने की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके लिए छात्रों को करीबन 10 दिनों का समय दिया गया है। आयुर्वेद प्रथम व्यावसायिक 2018-19, द्वितीय व्यावसायिक 2017-18 एवं तृतीय व्यावसायिक 2016-17 के छात्र 6-9 जनवरी तक निदंड तथा 10-13 तक सामान्य दंड के साथ पंजीयन एवं परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि जो छात्र इस अवधि तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्र 14 एवं 15 जनवरी को विशेष दंड के साथ परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। इस आशय से संबंधित सूचना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ने जारी कर दी है। दरभंगा NSUI जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री वे दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि AUP के गुंडों द्वारा JNU के छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर जानलेवा हमला किया गया है। उसी के विरोध में गुजरात में NSUI के समर्थियों विरोध प्रदर्शन के दौरान AUP का आतंकवादी गुंडों ने ओछी हरकत किया और विरोध में पुतला दहन किया, और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस गुजरात सरकार को चेतावनी देते इस तरह एक हरकत करवाना बंद करे, अन्यथा महासंग्राम का आगाज होगा। वही अध्यक्ष एच खान ने कहा कि पूरे भारत में केंद्र सरकार अपने गुंडों से सभी विश्वविद्यालयों में हमला करवा रहा है, जो देश के लिए अशुभ संकेत है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कीराघाट कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में जन अधिकार पार्टी के जिला महासचिव दस्तगीर अंसारी, जिला नगर अध्यक्ष खली कुलजा उर्फ पप्पू सरदार, युवा परिषद नगर अध्यक्ष दिलसाद, छात्र परिषद छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की काशिफ, मरवाड़ी कॉलेज अध्यक्ष कुणाल पांडे, उपाध्यक्ष संदीप पासवान, परिषद सदस्य अमित कुमार ठाकुर मौजूद थे। प्रेस वार्ता में डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने कहा कि ट्रेड यूनियन के भारत बंद का समर्थन जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पूरे जोरदार तरीके से सड़क पर उतर कर करेगी। वहीं दूसरे ओर उन्होंने कहा कि भीम आर्मी गरीबों के लाल चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार के इशारे पर पिछले 12 दिनों से तिहाड़ में बंद कर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। देश के लोकतांत्रिक को बचाने के लिए युवा छात्र गरीब मजदूर आम आवाम जन समर्थन के साथ चलित बंद का समर्थन देगी। दूसरी ओर कुणाल पांडे ने कहा कि JNU के अंदर छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, उसके लिए जन अधिकार छात्र परिषद चरमबंद आंदोलन करती रहेगी।
यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।